हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, जब आप किसी को पसंद करते हैं तो कभी ना कभी एक टाइम आता है कि आपको अब लगता है कि अब आपको उसे प्रपोज कर देना चाहिए, अब उसे आपको अपने मन की बात बता देनी चाहिए। लेकिन आपको एक डर ये लगता है कि कहीं वो लड़की आपका प्रपोजल रिजेक्ट ना कर दे, आपको ना ना बोल दे। इसी वजह से आप ये सोचते हो कि कैसे प्रपोज करने की आपका प्रपोजल वो लड़की एक्सेप्ट कर ले। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कैसे आप उस लड़की को प्रपोज करें और कब करें, जैसे वो लड़की आपका प्रपोजल 100% एक्सेप्ट करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप जब किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो ये जरूर एक बार ये जरूर सोच लें कि क्या आप जिसे प्रपोज करने जा रहे हैं आप सोचे सच में पसंद करते हैं, क्या उसके लिए आपके मन में सच में फीलिंग्स हैं। और क्योंकि प्रपोज करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, आपको इसमें पेशेंस से काम लेना चाहिए, सोच समझ कर काम लेना चाहिए, क्योंकि इसके साथ दो लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। इसलिए इसके साथ कोई भी जल्दबाजी ना करें, पेशेंस से काम लें। आप सोच लें कि आप जिसे प्रपोज करने जा रहे हैं क्या सच में वो लड़की आप उसको पसंद करते हैं, वो लड़की उस लड़की के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, तभी आप उसे प्रपोज करें। दूसरा, कभी भी आप उसे डायरेक्ट प्रपोज ना करें, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप उसे प्रपोज करेंगे तो वो लड़की पक्का मना कर देगी, वो ना ही कर देगी। क्योंकि लड़कियां इतनी जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाती, वो आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए तो रेडी हो जाएंगी पर आपका प्रपोजल इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसलिए कोई भी जल्दबाजी ना करें आप उसे प्रपोज करने में। और आप इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप उससे फ्रेंडशिप करेंगे तो धीरे धीरे आप एक दूसरे का समय बिताएंगे, आप एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आप उस लड़की को अच्छे से जान पाएंगे, वो लड़की आपको भी अच्छे से समझ पाएगी कि क्या आप एक दूसरे के काबिल हैं, लायक हैं, एक दूसरे से ज़्यादा अच्छा टाइम बिता सकते हैं। और हो सकता है कि आगे चल के वो लड़की खुद ही आपसे अपने मन की बात कह दे कि आपके लिए वो क्या फील करती है, आपको प्रपोज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसलिए किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी रिश्ते को के अच्छे बॉन्ड बनाने के लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए किसी को भी प्रपोज करने से पहले उससे पहले फ्रेंडशिप करें, और फिर समय आने पर आप उसे अपनी मन की बात बता दें, आप उसे प्रपोज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक बात भी याद रखनी है कि जब भी आप किसी को प्रपोज करें तो उसे फ़ोन पे या मैसेज करें कि या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे उसे प्रपोज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पक्का आपको ना ही सुनने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा हो अगर आप उसे फ़ोन पे बोलते हैं, आप उसे अपने बारे में बताते हैं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसे पसंद करते हैं, तो आपको ना ही सुनने की मिलेगी। क्योंकि फ़ोन पे बताने पे आप उसे सीधी सीधी बात बता देते हैं, ना तो आपके फेस एक्सप्रेशन होते उसे दिखते हैं, ना ही आपका फीलिंग्स उसे दिखती हैं। तो इसलिए कि जब आप किसी को प्रपोज करें तो फेस टू फेस करें, क्योंकि जब आप उसे सामने से प्रपोज करते हैं तो आपकी फीलिंग्स उसे दिखती हैं, आप कितना दिल से उसे प्रपोज कर रहे हैं ये चीज़ उसे दिखती है, आपका दिल, आपके अंदर का लव उसे दिखता है, आपके फेस के एक्सप्रेशन दिखते हैं कि आप उसे लेके कितना सीरियस हैं, आपके अंदर की फीलिंग्स उसे सामने से दिखती हैं, तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और फ़ोन में वो सीधी सीधी बातें भेजने से आपके ना तो फीलिंग्स दिखती हैं, ना आपके अंदर का प्यार दिखता है, और ना ही दिखता है कि आप उसे कितना दिल से ये बोल रहे हैं, आप उसे कितना अंदर से प्यार करते हैं, आप उसे कितना अंदर से चाहते हैं, ये सारी चीज़ें फ़ोन में नहीं दिखती हैं। तो जितना हो सके आप ऐसे प्रपोज ना करके आप फेस टू फेस प्रपोज करें, क्योंकि जब आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो वो लड़की के लिए एक बहुत ही स्पेशल पॉइंट होता है, वो इसे यादगार बनाना चाहती है, अपनी हमेशा अपनी यादों में रखना चाहती है। क्योंकि एक लड़का तो उसे एक बार प्रपोज करता है पर वो अपने अब इस मोमेंट को हजार बार जीती है, वो हजार बार याद करती है। इसलिए जब भी आप किसी लड़की को प्रपोज करें, पूरे दिल से करें, पूरे फीलिंग्स के साथ करें। आप उसे जब प्रपोज करें तो आप उसे बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, आप उसे कितना पसंद करते हैं, आपको पहली बार कब प्यार हुआ, कब आपने उसे पहली बार देखा, ये सारी चीज़ें पूरी फीलिंग्स के साथ पूरे दिल से आप उसे बताएं, वो लड़की पक्का आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, प्रपोज करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा फिल्मी स्टाइल भी अपना सकते हैं, आप थोड़ा फिल्मी भी हो सकते हैं, जैसे कि आप एक वीडियो बना लीजिए और इस वीडियो में अपने मन की सारी बातें आप उसे बता दीजिए और फिर उसे भेज दीजिए, और उससे आप ये कहें कि अगर आप उसके घर के पास रहते हैं तो आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुम्हारी हाँ है तो तुम बाहर आ जाओ या अपनी बालकनी में आ जाओ, या अगर आप उससे दूर रहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वो आपको कोई स्माइली बना के या हार्ट बना के भी भेज सकती है, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं।
और आप उसे गिफ्ट भी दे सकते हैं, पर ये याद रखिए कि गिफ्ट ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप फ्लावर्स दे सकते हैं या एक आर्टिफिशियल रिंग भी दे सकते हैं, और ये देते समय आप अपने नी पे बैठ जाइए और तब उसे प्रपोज करिए। थोड़ा फिल्मी है पर सामने वाले को बहुत अच्छा लगेगा, करके देखिएगा। लेकिन हाँ, कितना भी आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स और आप कितना दिल से बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस होता है किसी को प्रपोज करने में। या फिर आप स्क्रैप बुक की हेल्प ले सकते हैं। स्क्रैप बुक जो होती है, इसमें कलरफुल पेजेस होते हैं, उसमें अपने और उसके साथ की फोटोज़ लगा के, और आपके वो मोमेंट जब आपने उसे पहली बार देखा, जब आपने उसके लिए प्यार फील किया, या जब आप वो आपको बहुत अच्छी लग रही थी, वो सारी चीज़ें जब आप उससे नहीं कह पाए थे, वो सारे मोमेंट्स उसे लिख कर, उसी स्क्रैप बुक में उसे लिख कर, और उस समय आपने क्या फील किया था उन बातों को भी लिख कर आप उसे वो सारी छोटे छोटे मोमेंट्स याद दिला सकते हैं, और उस समय आपने उसको लेकर क्या फील किया, वो सारी फीलिंग्स आप उसमें लिख के उसे बता सकते हैं। ये भी एक प्रपोज करने का अच्छा तरीका है। ये छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, पर आप अगर इस तरह से किसी को प्रपोज करेंगे तो लड़की आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी, एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इनमें आपकी फीलिंग्स दिख रही हैं, वो दिख रहा है जो आप दिल से कर रहे हो। और ये किसी को प्रपोज करते समय बहुत ज़रूरी होता है सामने वाले को ये दिखना कि आपके चेहरे के फेस के एक्सप्रेशन क्या है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी को प्रपोज करने में। और इस बात का भी ध्यान रखें, जब भी आप किसी लड़की को प्रपोज करें तो आप उसे कहाँ प्रपोज कर रहे हैं, इस बात का भी बहुत ध्यान देना होता है। क्योंकि अगर आप किसी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर प्रपोज करेंगे तो लड़की ना कर देगी, क्योंकि लड़कियाँ अपने मन की बात सबको नहीं बताना चाहती हैं, सबके भीड़ भाड़ वाली जगह पे कभी नहीं करेंगी, और वो आपको मना कर देंगी। इसलिए वहाँ प्रपोज करें जहाँ वो कंफर्टेबल हो और आपकी बात भी सुन सके और अपने बात का भी अच्छे से जवाब दे सके, आपको रिप्लाई दे सके। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको कहाँ और कैसे प्रपोज करना है। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर कहूँगी, किसी भी लड़की को प्रपोज करते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पेशेंस से काम लें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखें तो वो लड़की आपका प्रपोजल कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगी, वो 100% एक्सेप्ट ही करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मैं इसी तरह आपकी लव टिप्स और लव एडवाइस वाली वीडियो लाती रहूँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।